आम आदमी पार्टी को कथित तौर पर सरकारी विज्ञापनों की आड़ में उसके राजनीतिक विज्ञापनों को प्रकाशित करवाने के लिए 163.62 करोड़ रुपए का वसूली नोटिस जारी किया गया है। दिल्ली LG VK सक्सेना ने मुख्य सचिव को सरकारी विज्ञापनों की आड़ में प्रकाशित राजनीतिक विज्ञापनों के लिए आपसे 97 करोड़ रुपए वसूलने का निर्देश दिया था, जिसके एक महीने बाद ये वसूली नोटिस जारी किया गया है। सूत्रों की माने तो सूचना एवं प्रचार निदेशालय DIP ने जो वसूली नोटिस जारी किया है उसमें राशि पर लगा ब्याज भी शामिल है। नोटिस में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी 10 दिन के भीतर पूरी राशि का भुगतान करे। सूत्र ने बताया, अगर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल तय समय में राशि का भुगतान करने में विफल रहते हैं तो दिल्ली के LG के पिछले आदेश के मुताबिक समयबद्ध तरीके से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत पार्टी की संपत्तियां भी कुर्क की जा सकती हैं। पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने आपत्ति जाहिर की है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सिसोदिया ने कहा कि अधिकारियों का उपयोग जनता के काम कराने में किया जाना चाहिए, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को नोटिस देने में नहीं। BJP की सरकारें भी यही कर रही हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सिसोदिया ने BJP पर आरोप लगाते हुए कहा कि BJP ने दिल्ली सरकार की सूचना विभाग सचिव एलिस वाट से नोटिस दिलवाया है कि वर्ष 2017 से दिल्ली से बाहर राज्यों में दिए गए विज्ञापनों का खर्चा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से वसूला जाएगा। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि दिल्ली के अखबारों में BJP के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के विज्ञापन छपते हैं, पूरी दिल्ली में इनके CM की फोटो वाले सरकारी होर्डिंग लगे हैं। क्या इनका खर्चा BJP मुख्यमंत्रियों से वसूला जाएगा? क्या BJP इसीलिए दिल्ली के अफसरों पर असंवैधानिक कब्जा करके रखना चाहती है? इनसे दिल्ली की जनता के हित में काम कराइए, स्कूल बनवाइए, अस्पताल बनवाइए, इनसे मजदूरों के लिए काम कराइए, इनसे गरीबों के लिए काम कराइए, दिल्ली का विकास कराइए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी असंवैधानिक रूप से इन अफसरों के ऊपर अपना कब्जा करके जमा के बैठी है और वो इसका दुरुपयोग करके इन अफसरों का इस्तेमाल कर रही है, अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है, चुनी हुई सरकार के मंत्रियों को टारगेट करने पे काम नहीं करने दे रही। अफसरों को जनता के काम अफसर करते हैं तो उनको रुकवा देती है और अफसरों का दुरुपयोग कर रही है कि किस तरह से केजरीवाल जी और उनके मंत्रियों को टारगेट करें ये अफसर। ये अफसरों के ऊपर नियंत्रण का नाजायज इस्तेमाल है। उधर दिल्ली प्रदेश BJP के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी ने मनीष सिसोदिया के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि एक समय नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा था, अब सत्ता में बैठकर आम आदमी पार्टी लूट रही है। आपसे राजनीतिक विज्ञापन के पैसे वसूली के नोटिस पर मनीष सिसोदिया गलत बयानबाजी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अधिकारी पर दबाव डालकर पत्र लिखवाया गया, ये बात बोलकर वो संवैधानिक पद का अपमान कर रहे हैं। नोटिस से आप में बौखलाहट है, जनता को सुविधाएं देने की जगह 163 करोड़ रुपए आपका चेहरा चमकाने पर खर्च किया, ये खजाने की लूट है। इस मामले में आप हाई कोर्ट भी गई थी, इससे नहीं मिलने पर दिल्ली सरकार द्वारा वसूली का नोटिस भेजा गया है। एक बार आम आदमी पार्टी अपने भ्रम जाल से सत्ता में बैठकर दिल्ली के खजाने को लूट रही है, जिससे दिल्ली के गरीबों का, दिल्ली के झुग्गियों का, दिल्ली के घरों में पानी देने का, इस सारी समस्याओं का निदान होता। लेकिन नहीं, आज 163 करोड़ रुपए 10 दिन के अंदर रिकवर करने की बात आई तो मनीष सिसोदिया जी, दिल्ली सरकार छटपटा गई। सूत्रों के मुताबिक 99.31 करोड़ रुपए 31 मार्च 2017 तक राजनीतिक विज्ञापनों पर खर्च किए गए। शेष रकम इस राशि पर दंडात्मक ब्याज के कारण 64.31 करोड़ रुपए है, यानी कुल रकम 163.62 करोड़ रुपए होती है। सूत्रों ने कहा कि दिल्ली सरकार के ऑडिट निदेशालय ने ऐसे सभी राजनीतिक विज्ञापनों का ऑडिट करने के लिए एक विशेष ऑडिट टीम भी नियुक्त की है। LG ने दिसंबर में जब पहली बार नोटिस जारी किया था तब आपने इसे लव लेटर बताया था। आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया था कि उप राज्यपाल साहब ने BJP के निर्देशों पर ऐसा किया है, इससे दिल्ली के लोगों को परेशानी हो रही है। दिल्ली के लोगों की चिंता जितनी बढ़ती है BJP उतना खुश होती है। ब्यूरो रिपोर्ट।